Hello children, how are you all? I hope you all are good. Today in your GK, I am going to teach you your chapter Religious Festivals. It's your GK chapter. So in this chapter, I explain you what is the meaning of religious festival and what are the religious festivals of our country. So children, you have to pay attention on this video, okay? So now I start reading your chapter Religious Festivals. First of all, what is the meaning of religious festival? India is a land of many religions. As you know, in our country there are many types of people who belongs from different religions. जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे भारत देश में अलग अलग समुदाय के अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं. सो वी हैव मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स डेट आर सेलिब्रेटेड विद जॉय अक्रॉस द कंट्री. और अगर हमारे देश में अलग अलग धर्म के अलग अलग समुदाय के लोग पाए जाते हैं, तो उन सभी धर्मों के और उन सभी समुदायों के जो पर्व हैं वो भी अलग अलग होते हैं, जिसे हमारे देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ पूरे भारत देश में मनाया जाता है. फ्यू ऑफ देम आर क्रिसमस, दिवाली, होली, दशहरा, दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन एंड मैनी मोर. सो दीज आर द सम रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ आर कंट्री. सो नाउ चिल्ड्रन, we have to read these religious festivals one by one. Your first religious festival is Diwali. So what is the meaning of Diwali? Diwali is known as the festival of lights. As you all know, Diwali is known as the festival of light. दिवाली को आप रोशनी का त्यौहार, रोशनी का पर्व कहते हो. इट इज सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न्ड होम टू अयोध्या आफ्टर 14 इयर्स इन एग्जाइल. दीपावली का पर्व या दिवाली का पर्व हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन लॉर्ड रामा मतलब भगवान राम अपने घर अयोध्या वापस आए थे अपना 14 साल का वनवास काट कर. तो उनके आने की खुशी में ही लोगों ने उसी दिन से दीपावली का पर्व मनाना शुरू कर दिया. पीपल ऑल्सो बर्स्ट क्रैकर्स बिकॉज दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. इस दिन लोग पटाखे भी जलाते हैं क्योंकि दिवाली आपका रोशनी का पर्व है. Your next religious festival is Holi. Holi is the festival of colors. Holi ko hum festivals of colors means rangon ka tyohar, rangon ka parv kehte hain. It is celebrated mostly in North India. Ye aapke zyada tak North India mein manaya jata hai. मतलब आपके उत्तरी भारत में. ओके, एज यू ऑल नो देयर आर फोर डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. सो नॉर्थ इज योर उत्तरी. ठीक है, आपके उत्तरी भारत में ये ज़्यादातर मनाया जाता है. दे डू पूजा एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस फेस्टिवल एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी पीपल स्टिल बर्न होलिका. होली के पर्व के पीछे आपकी एक कहानी है, तो
उसी कहानी से मिलते जुलते आप लोग उसी दिन से होलिका का पर्व मनाना शुरू कर देते हो। तो जिस दिन आप रंगों से खेलते हो उससे एक दिन पहले आपका होलिका दहन होता है, ठीक है। पीपुल ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल बाई प्लेइंग कलर्स सेंट एंड गिव स्वीट्स टू रिलेटिव्स एंड मैनी मोर। इस पर्व को लोग बहुत ही खुशी से मनाते हैं और इस दिन लोग रंगों से पानी से खेलते हैं और अपने रिश्तेदारों को और अपने जानने वालों को स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ बांटते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर फेस्टिवल होली। नाउ योर नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज रक्षाबंधन। सो आई नो एवरीबडी नोज वॉट इज रक्षाबंधन। ऑन दिस डे सिस्टर टाइड राखी ऑन देयर ब्रदर्स राइट रिस्ट एंड प्रे फॉर देयर सेफ्टी। रक्षाबंधन इज अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये भाई और बहनों का पर्व है। ओके, इस दिन जो सिस्टर जो बहन होती है वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। दिस इज सेलिब्रेटेड बाय द सिस्टर टाइंग अ राखी देन द ब्रदर गिव्स अ गिफ्ट टू हिज सिस्टर फॉर प्रेइंग फॉर हिज सेफ्टी। और इस दिन जब बहन भाई को राखी बांध देती है उसकी कलाई पर, तब भाई अपनी बहनों को कुछ तोहफे या कुछ उनकी पसंद की चीज़ें गिफ्ट करते हैं। योर नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज दशहरा। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द डे ऑन विच लॉर्ड रामा किल्ड रावणा। दशहरे का पर्व आपका उसी दिन से मनाया जाता है जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजयादशमी। और दशहरे के पर्व को आप लोग विजयदशमी के रूप में भी जानते हैं। दशहरे को ही आप लोग विजयदशमी भी कहते हैं। योर नेक्स्ट फेस्टिवल इज बुद्ध पूर्णिमा। द बर्थडे ऑफ बुद्धिज्म लॉर्ड गौतम बुद्धा इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व आप इसलिए मनाते हो क्योंकि इस दिन आपके जो बुद्धिज्म के जो गुरु हैं, बुद्धिज्म आपके जो धर्म है उनके जो गुरु हैं गौतम बुद्धा, उनके जन्मदिन के उपलक्ष में आप लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हो। पीपल ऑफर स्पेशल प्रेयर एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग ऑन दिस डे। इस दिन लोग एक खास तरीके की प्रेयर एक खास तरीके की प्रार्थना करते हैं और आपस में एक दूसरे को स्वीट्स या ग्रीटिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को देते हैं। दिस इज योर फेस्टिवल बुद्ध पूर्णिमा। योर नेक्स्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस। इट्स अ क्रिसमस ट्री। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस बिकॉज जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न ऑन दिस डे इन बेथलहम। क्रिसमस का फेस्टिवल क्रिसमस का पर्व आप इसलिए मनाते हो क्योंकि इस दिन आपके जो ईसाई धर्म के जो भगवान हैं यीशु मसीह उनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए आप लोग हर साल क्रिसमस को क्यों मनाते हो, क्योंकि इस दिन आपके ईसाई धर्म के जो भगवान हैं यीशु मसीह उनका जन्म हुआ था। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। हर साल क्रिसमस हम लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं। अ स्पेशल काइंड ऑफ डेकोरेटेड ट्री नोन एज क्रिसमस ट्री इज पुट अप इन होम्स। क्रिसमस के दिन आपके घरों में एक खास तरीके का एक पेड़ होता है जिसे आप लोग क्रिसमस ट्री बोलते हो, जो स्पेशली क्रिसमस के दिन के लिए ही आता है। उसे आप अपने घरों में लाते हो और उसको डेकोरेट करते हो, उसको
सजाते हो। ओके चिल्ड्रन, योर नेक्स्ट फेस्टिवल इज ईद उल फितर। मुस्लिम्स सेलिब्रेटेड ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा। आपके जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो अपना ईद उल फितर और ईद उल जुहा पर्व को मनाते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान मुस्लिम फास्ट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। रमज़ान के महीने में जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक वो लोग रमज़ान के महीने में फास्ट रखते हैं। सो दिस इज योर चैप्टर रिलीजियस फेस्टिवल्स। सो आई होप यू नो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल एंड वॉट आर द डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ आर कंट्री। सो चिल्ड्रन, इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड योर चैप्टर वेरी क्लियरली। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।